ओहो देख सकते हो कितना कीचड़ है यार। शिट, तो बहुत ही ज्यादा गंदा सीन हो गया यार। सो पापा के प्लेटिनो पे चले क्या? इट्स टाइम फॉर आवर एडवेंचर लुक। ओके सो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगा दिया मैंने बैग, बैग लगा दिया, ट्रैपॉड रख दिया, ऑल सेट, लेट्स गो। दिस इज गोइंग टू बी बिगेस्ट सोलो राइड ऑफ माय लाइफ। अभी कुछ बज रहे 3, सो ऑल सेट फॉर मनाली। इट्स शोइंग 527 किलोमीटर 11 घंटे और दिखा रहा है कि अगर मैं नॉन स्टॉप गया मैं 3:18 तक पहुंचूंगा। यार ख्याल से मैं 5 बजे से पहले पहले मनाली जो है पहुंच जाऊंगा। अब जो हमारी डेस्टिनी में लिखा होगा वो होगा। ओके सो राइड जस्ट स्टार्ट हुई थी और एक गंदा कलेश पै गया। यहाँ पे बहुत गंदा स्लश है और मेरे को रात को दिखा नहीं और मैं गिर गया उसमें बहुत तगड़ा। मेरा DSLR इसमें है, आई होप अंदर पानी ना गया हो, आई डोंट नो। बहुत गंदा सीन था ये, बहुत ज़्यादा गंदा सीन, बहुत बहुत ज़्यादा गीला है यहाँ पे। मेरा शीशा भी टूट गया, वह पूरा का पूरा गीला हो गया अंदर से लेके बाहर तक। सबसे ज़्यादा टेंशन ये है कि मेरे पास ड्रोन वगैरह है। हाईवे आ गया ना, हाईवे बाइक का स्टैंड भी नहीं लगा हुआ और चेक करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक सबसे पहले। भाई साहब सब में पानी गया है, बहुत गंदा स्लश है ये। ओह शिट, आई डोंट नो क्या सीन है, बारिश आ रही है इसलिए या फिर क्या। ओहो पूरा गंदा गंदा हो गया यार मामला, साफ सुथरा निकला था मैं। ओहो ओहो देख सकते हो कितना कीचड़ है यार। शिट, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा सीन हो गया यार। ओके सो अंदर तो पानी नहीं गया, थैंक गॉड, दी का थोड़ा लेने का फ़ायदा हो गया। अंदर तो पानी नहीं लग रहा मेरे को, नहीं अंदर पानी नहीं है, थैंक गॉड। ड्रोन में पानी नहीं गया होगा, ड्रोन इस साइड है, बाइक उस साइड गिरी थी। फक हो गया यार ये तो, फक सीरियसली फक हो गया, फक। तो ये कुछ हाल है राइडिंग जैकेट का, और बैग बच गया थैंक गॉड। एंड मेरा ये हाल है, मैं भाई पूरा गीला हूँ ऊपर से नीचे तक। मैंने बोला था मेरी किस्मत जो है जेठालाल जैसी है, और वहाँ पे बाइक पूरी गंदी हो चुकी है। वॉशिंग, मैं पीछे नहीं जा रहा, आई गो फर्दर फॉर श्योर, वो ये नहीं आगे धीरे धीरे चल के पहुँच जाएंगे, बट रुकना नहीं है क्योंकि भाई साहब बहुत बार हो गया जब भी मनाली जा रहा होता हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं, और पता नहीं मेरी लाइफ में ही आती है, साला सड़ी हुई लाइफ है। तो फाइनली ओपन हो गया और मैं मतलब सिग्नल चल रही है तो हॉटस्पॉट लेके मैंने जो है वो ले लिया, अपना ई पास ले लिया, तो अब चलते हैं फाइनली। ओके सो 200 प्लस किलोमीटर नॉन स्टॉप। घातक वाला फ्रस्ट्रेटेड होना भी अपनी लाइफ में, देखो बोलना नहीं चाहिए, नेगेटिविटी आनी नहीं चाहिए अंदर, बट चाबी खो गई दूसरी इसकी, एकदम से गायब हो गई, जूते सुखा रहा था, पता नहीं क्या ही हो रहा है। ओके सो एक तो खुशखबरी ये रही कि हमें एंट्री मिल गई है, पीछे चेक पोस्ट है, तो बाइक उठाते सीधा अंदर घुसते हैं। भाई साहब इतनी भसूड़ी के बाद तो और एक्साइटमेंट बढ़ गई है। Look at the beauty of Himachal. Okay, so this is the beauty of Himachal. Look at this. Literally crave करा मैंने ऐसी जगहों के लिए। ये देखो iPhone होने के बहुत फायदे भाई, कहीं पे भी vlog कर सकते हो, और वो वाला कैमरा निकालना बहुत मेहनत लगती है, तो
निकलते यहाँ से बिकॉज काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है और आई थिंक पुलिस भी आ जाएगी। और बाइक की हालत कुछ ऐसी लग रही है, बहुत ज़्यादा गंदी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई साहब क्या घातक वाला एडवेंचर करके आ रहा हूँ। ये देखो प्लेस बूम, पता नहीं कितना लंबा चलेगा। पत्थर गिरा रहे हैं, फिर इसको हटाएंगे। और मैंने रेडबुल पीछे पी लिया, यहाँ पे पी लेता हूँ क्योंकि नींद आ रही थी, बहुत तेज नींद आ रही थी। अच्छा वो पी ली। थोड़ी देर उतरो, खड़े हो यार थोड़ी देर। कितनी देर लगी भैया? 5 मिनट। पहाड़ के बीच से जा रहे हैं, विश्वास ही नहीं हो रहा। तो बहुत तगड़े वाला थक गया यार, I'm so tired। अपनी बाइक, सामने बादल, पहाड़, चला गए मनाली, अब दूर नहीं। Okay, so finally only 7 किलोमीटर। जो मेरी फीगो की सीट थी मेरे को नहीं लगानी चाहिए थी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोस्चर चेंज हो गया बाइक और मेरा, तो नहीं फीगो हटा दूँ मैं। और इतना अनकंफर्टेबल रहा हूँ आज मैं राइड पे, क्योंकि शुरू शुरू में गीला रहा हूँ। 550 किलोमीटर करके आ गए हैं मनाली। सर ये वॉल रोड किस साइड है? यही है भाई। सबसे पहले स्टे लेना है, नहाना है, और हो सके तो मॉल रोड थोड़ी सी घूम के सो जाना है। मैं सुबह सुबह एक्सप्लोर करने जाऊंगा। यही है क्या? हाँ ये तो। सब कुछ छोड़ो, लुक एट द कंडीशन ऑफ बाइक। भाई साहब इससे ज्यादा गंदी बाइक मैंने जीरो समय नहीं करी थी, पर तेरी अच्छी लग रही है। आई एम लविंग इट, लुकिंग सो 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 डोप। काफी लोग कहेंगे राघव तेरा प्लान तो 17 को था, 17 को अनाउंसमेंट करी थी। मेरा प्लान तो कल का भी था, डिले हो गया था, डिले बिकॉज हमारा ई पास नहीं आया था हमारे पास। हमने थोड़ी तरकीबें लगाई, फिर हमारे पास ई पास आया। मैंने एक चाबी भी खो दी है, तो ये वाली चाबी तो सीने से लगा के रखनी पड़ेगी। अभी भाई नहा के अच्छे से, मतलब जिसे कहते ना घिस के नहा के कुछ खाते अच्छा बैठ गया, मतलब जिसे कहते ना पेट भरने वाला, पिज्जा बर्गर नहीं। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम यहाँ पे पता क्या है, एक ही प्रॉब्लम ये है कि मम्मी की तबीयत के चक्कर में मैं जो हूँ डे कम कर दिया। वैसे मैं आपको ना आइटनरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके देखो कितनी बड़ी आइटनरी थी, स्पीति से लेके सब मैंने जो है कवर करना था। बट मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इस टाइम पे मेरे को जो है राइड करनी चाहिए, जब मम्मी की तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं है और घर पे कोई संभालने वाला नहीं है। अच्छा एप्पल यूज़र्स मेरे को ये बताओ, एप्पल का मैप्स या फिर आपका जो है गूगल मैप्स, आप कौन से यूज़ करते हो? मैंने आज पहली बार एप्पल मैप्स यूज़ करा है और इतना शांति वाला है ना, मतलब गूगल तो बहुत अनोइंग है, ये बहुत शांत है कि आप ऐसे कर लो। लेफ्ट लेना, कुछ याद आया? आ ही गया होगा एमएस के बाहर। अच्छा हे हस्की, आपके साथ खेलते हैं, हम बहुत गंदे हैं अभी, नहाए धोए नहीं है, आप तो साफ सुथरे बैठे हैं। शिट, एक गंदा हाल हो रखा है भाई। जैकेट तो हेलमेट भी, बैग भी। भाई बैग खोल के देखना है क्या नुकसान हुआ, कुछ हुआ या नहीं। मेरे पैरों की हालत देखो यार। मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली हुआ क्या था। देखो मैं रात को था, ठीक है, रात को निकले थे अपन। अब क्या सीन हुआ वहाँ पे, पहले 2 गाड़ियाँ निकली, पानी भरा हुआ कोई बात नहीं, 2 ट्रक निकल गए मेरे सामने। और जब मैं आपको बता रहा था तब भी ट्रक निकले, लेकिन जब मैं बाइक लेने गया तो कम से कम नहीं तो इतना बड़ा गड्ढा, मतलब इतना बड़ा गड्ढा था कि मैं आधा डूब गया था उसमें और मेरी बाइक आधी डूब गई थी। आधा डूबने का मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे हेलमेट का ये हाल है। अभी मैंने राइडिंग गियर साफ कर दिए हैं, इसको भी साफ करना है। कल तो यहाँ पे स्टे लेना पड़ेगा बिकॉज बहुत ज्यादा गंदगी है। लेकिन अभी मैं कुछ खाने जाऊंगा, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है। ड्रोन नहीं उड़ा सकता, इतनी प्यारी प्यारी जगह है। लेकिन वन प्लस
RIP डॉग थोड़ा नेगेटिव वाइब में चला गया, बट मेरे साथ कुछ बुरा हुआ। मैं आप लोगों से क्या छुपाऊं, अच्छाई क्या दिखाऊं, कुछ अच्छाई नहीं है। मैं बहुत पिस्ट हूं अभी भी, नहीं होना चाहिए था। ये बहुत गंदा है। नए ड्राई क्लीन के गेयर्स आ रखे, मतलब दोनों ड्राई क्लीन हुए हुए, बैग साफ सुथरा, बाइक साफ सुथरा, खर्चा करा हुआ। और कब हाईवे खुलेंगे यार प्रॉपर्टी।